तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोलो ग्रैंड मास्टर रैंक बूस्ट कैसे करें। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले आता है लैंडिंग। लैंडिंग कैसे करें, तो आप रशिंग प्लेस में भी लैंडिंग कर सकते हो और सेफ प्लेस में भी लैंडिंग कर सकते हो, लेकिन रशिंग प्लेस में लैंडिंग करते हो तो आपको एक मिनट के अंदर टाइम मिलता है कि एक मिनट के अंदर अगर आप मरते हो तो एक बार फिर से रिवाइव हो सकते हो। तो आप उस अंदर एक मिनट के अंदर में आपको फाइट लेने की कोशिश करना है, एक दो किल निकाल लेने की कोशिश करना है। किल निकल गया उसके बाद जल्दी से गाड़ी पकड़ना है और निकल लेना है, और जब तक टॉप 25 अलाइव नहीं होता तब तक आपको बिल्कुल फाइट नहीं लेना है, तब तक फाइट को इग्नोर करना है। अगर आप सेफ़ लैंडिंग करते हो तो जल्दी से लूट कर लेना है, जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ आपको गाड़ी लेना है और निकल लेना है। तो इस बंदे की सबसे पहले मार लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर मान ले जाए कहीं फाइट लेते वक्त फंस जाते हो, वहाँ बहुत बंदे होते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि फ़ाइट बिल्कुल नहीं लेना है और जितना हो सके फाइट को रोकना है, क्योंकि जितना रोकोगे उतना अलाइव कम होगा, और अलाइव कम होगा तो माइनस लगने का भी चांस बहुत कम होगा। अगर आप फंस जाते हो तो कोशिश करना कि अगर रेयर वाला सिस्टम बंद हो जाता है तो कोशिश करना कि आप कहीं पर कैम कर लो, जब तक 30 अलाइव या फिर 25 अलाइव नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर जैसे तैसे करके काट लेना है समय, उसके बाद आप निकल सकते हो आराम से। फिर फाइट लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किल कर लेते हो अच्छा 8 किल 10 किल तो आपका फुल प्लस मिलेगा, अगर आप नहीं कर पाते हो तो कम प्लस मिलेगा, लेकिन प्लस मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर सामने थोड़ा बंदा है, थोड़ा सा थर्ड पार्टी कर लेते हैं। तो हम कहाँ थे यार? अरे यार भूल गया यार, और क्या बताऊँ। अरे यार थोड़ा सा सामने बंदा है, थोड़ा देख लेते हैं, मार तो पाएंगे नहीं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा बंदा फायर कर रहा था, मैं चुपचाप निकल लिया क्योंकि ज़्यादा फाइट लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास शॉट गन था, अगर मैं उतरता तो मेरा भी ख़त्म होने का चांस ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पास डबल स्नैपर है जो कि M82B और M82B शॉर्ट रेंज पे इतना टिकेगा नहीं भाई। तो यहाँ पर फाइट हो रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी दे लेते हैं थोड़ा सा। तो बंदा किल के लालच में उतर गया था, फाइट लिया बेचारा थर्ड पार्टी में ख़त्म हो गया। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, फाइट लेना है तो अच्छे से लेना है, चारों तरफ देख लेना है कोई थर्ड पार्टी तो नहीं होगा, फिर देख के फाइट लेना है। और पिंग मशीन में आके वेस्ट हेलमेट सब चीज़ जो कुछ भी है आपका ले लेना है, ताकि कोई बंदा मारे तो डैमेज ना पड़े, अपने पास फुल लूट रहे हैं। यहाँ पर एक बंदा है, डैमेज दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो गाइस आपको गाड़ी का स्किल लेना नहीं भूलना है, मिसा कैरेक्टर आपको पता ही होगा, तो मिसा कैरेक्टर लेना बहुत ज़रूरी है, हमेशा गाड़ी को पकड़ के ही रखे रहना, क्योंकि सोल में पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी होता है, इसलिए हमेशा गाड़ी देके घूमते रहना चाहिए। ओके यहाँ पर फाइट हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थर्ड पार्टी कर लेते हैं। Oh.
take down. ऐसे ही आपको गाड़ी लेके घूमते रहना और एक एक किल दो दो किल जितना भी हो निकालते रहना। ऐसे फाइट मत लेना कि ख़त्म हो जाओ। अगर बंदा आगे वाला प्रो प्लेयर तो फाइट नहीं लेना। ये माँ बहुत परेशान कर रहे रोको उसको। स्नैपर से बार बार बंदा फायर किए जा रहे हैं, गाड़ी तोड़े जा रहे हैं। दिमाग खराब, आधा गाड़ी तोड़। यहाँ पर ऐसे लग रहा है यहाँ पर बंदा है, देख लेते हैं। पता नहीं कौन सा दुनिया में चला गया। है जैसे लग रहा है। तो क्या बेटा, तो आप लास्ट बंदा बचा हुआ है, अब होमवर्क छोड़ देते हैं। उसको लगेगा तो जाके मोको लग जाएगा, क्योंकि मोको कैरेक्टर स्किल रखे हैं तो होमवर्क से डैमेज पड़ेगा तो लग जाएगा। लग गया। तो गाइस बंदे को निपट लेते हैं। तो भाई अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रख लेना।